तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछपरछ माटे गुरुवारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट समक्ष हाजर थया। आ दरमियान कांग्रेस तपास एजेंसी ना दुरुपयोग नी सामे सांसद मां रस्ता पर देखावो करवानी तैयारीओ करी रही छे। पार्टी अन्य विपक्षी पार्टी पर एकता दर्शावानी विनंती करी। तो आ दरमियान पार्टीए वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी हेडक्वार्टर बोलाव्या। पार्टी ना एक वरिष्ठ नेताए जणाव्यु के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समयसर ईडी हेडक्वार्टर नी मुलाकात लेशे। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी ना महासचिव प्रियंका गांधी एमनी साथे पार्टी अध्यक्ष ने ईडी हेडक्वार्टर सुधी छेड़ी शके छे। तो आ पहला ईडी केस में सतत केटलाय दिवसों सुधी राहुल गांधी ने 51 कलाक थी वधारे पूछपरछ करी। ईडी जून में कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछपरछ माटे समन्स पाठव्या हता, परंतु एमनी तबियत सारी न होवाने कारणे तपास एजेंसी समक्ष हाजर थवा माटे वधु समय मांग्यो हतो। तमने राहत आपवा माटे ईडीए पूछपरछनी तारीख लंबावी हती। उसके अलावा वो हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म की राजनीतिक इंक्वायरी चल रहे हैं, तो एक्चुअली हम प्रोटेस्ट करेंगे, किया हुआ है और करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि देश के मुद्दों के बारे में, देश की प्रॉब्लम्स के बारे में, देश की समस्या के बारे में आप बैठ के राजनीति ठीक तरह के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस किस्म को हमारे नेताओं को ऐसे पकड़ के ले जाना बार बार, हमें तो नेचुरली ये क्या महंगाई के मामले पे पूरे देश भर में कांग्रेस इस तरीके से सड़कों पे उतरेगी जिस तरीके से अभी आज ईडी की मांग को लेकर उतरी? देखिए कांग्रेस, मैं तो केरल के बारे में जानता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि वहाँ हम किए हैं और करने वाले भी हैं, क्योंकि इस विषय तो हर जगह को नेचुरली हर व्यक्ति के, हर आम आदमी का ये समस्या है। हम नेचुरली इस विषय को करते रहेंगे। आज क्योंकि ये आज ही हो रहा है, आज के ये एक्शन है, आज की ये प्रोटेस्ट, मान लीजिए कि दूसरे विषय तो कल परसों जाने वाला नहीं है, वो भी करते रहेंगे। कांग्रेस ने कहा ईडी को करके भी पूछताछ कर सकती थी सोनिया गांधी से, ऐसा पीछे भी उदाहरण कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ये बड़ा नाटक करने की कोई खास जरूरत नहीं। तो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी समक्ष सोनिया गांधी हाजर रहा और लाइव दृश्य आपे जे प्रकारे निहाळ्या। प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस छे अने कांग्रेस द्वारा विविध प्रकार निवेदनों पण अपाई रहा छे। सोनिया गांधी ने जून में समन्स पाठवामां आव्या हता। तो जे प्रकारे आप दृश्य जोई रहा छो त्यारे कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन पण नोंधावामां आवी रह्युं छे। ईडी समक्ष आजे ज्यारे सोनिया गांधी हाजर रहेवाना छे त्यारे आ प्रकारना दृश्यो रस्ता पर सर्जाया छे अने हजु परिस्थिति वधारे कथळे नहीं तेना माटे तमाम तैयारीओ पण कराई रही छे। त्यारे जे प्रकारे दृश्यमां जोई शको छो कांग्रेस द्वारा खूब ज वधारे भयंकर रीते विरोध नोंधावाई रह्यो छे। कांग्रेस मुख्य कार्यालयथी लाइव दृश्यो आप इंडिया न्यूज गुजरातना माध्यमथी जोई शको छो જ્યારે સોનિયા ગાંધીને ઈડી સમક્ષ હાજર કરવામાં આવ્યા છે। આ જો 70 પ્લસ એજ હે ઉનકી, ઉસમે મતલબ ઈડી ખુદ કો કહેના છે હમ ઘરા કે પૂછતા કરેંગે આપ મેરે માં। સર કેન્દ્રીય એજન્સી કા આપને સરાસર દુરુપયોગ બતાયા ઇસ મામલે, એક મિનિટ સર બતાઈએ। તો પૂરે દેશ મે હો રહા હે, સરકારે ગિરાને કા કામ ભી કર રહી હે, जिस रूप में ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो जग जाहिर है, कोई नई बात तो है नहीं। तो क्या सर आपने बोला था, आप खुद पूछना चाहते हैं ईडी सीबीआई के प्रमुख से कि उनको लेकर जनता में राय क्या बन रही है? ये मैंने पहले भी कहा, एक बार मेरी इच्छा उनसे मिलने की, मैं चाहता हूँ एक बार मैं ईडी के डायरेक्टर साहब से, उनकी बहुत तारीफ सुन रखी मैंने। तो राजस्थान ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोते पण आना पर निवेदन आप्युं छे। तेमणे पण जणाव्युं तो तेओ पण प्रदर्शन में जोड़ाई चुक्या छे। सवारे ज माहिती आपवामां आवी हती कांग्रेस ना कार्यकर्ताओ लीडर द्वारा अलग अलग जग्याए प्रदर्शन करवामां आवी रह्या छे ने प्रकारना दृश्यो इंडिया न्यूज गुजरात माध्यमथी आपे जोया। और किस तरह से आप देखिए झड़प की स्थिति यहां पर, पुलिस प्रशासन के साथ बनी धक्का मुक्की यहां पर। तो सोनिया गांधी ने जे प्रकारे समन्स पाठवामां आव्या हता ईडी द्वारा तेमने तेड़ू आव्यु। सोनिया गांधी आजे मुलाकात दरमियान गया त्यारे दृश्यमां जोई शको छो कि कांग्रेस द्वारा, कांग्रेसना नेताओ द्वारा अलग अलग जग्याए विरोध प्रदर्शन नोंधावामां आवी रह्युं छे।